नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू के कोटे से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी, जो कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज उनका पटना आगमन हुआ है। जब वे केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उसके बाद पहली बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचने से पहले जदयू के समर्थकों द्वारा, साथ ही साथ आरसीपी सिंह के समर्थकों के द्वारा करीब हफ्ते भर पहले से जो है तैयारी की जा रही थी। पूरे पटना को सजा दिया गया था, पोस्टर से पाट दिए गए थे। इसके बाद आरसीपी सिंह जी का आज पटना आगमन हुआ है, और जिस पर सबकी पैनी नजर थी कि आरसीपी सिंह जी जब पटना आते हैं तो उनके जो काफिले हैं उसमें कितना भीड़ जुटता है, क्या वो भीड़ ललन सिंह जी से ज्यादा होता है अथवा कम होता है। अब आपको जवाब मिल गया होगा, भारत लाइव की टीम ने आपको सारी खबर दिखाई। लेकिन अब बात करते हैं, आरसीपी सिंह अपने पूरे जो काफिले के साथ जदयू कार्यालय पहुंचे। जदयू कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने अपना संबोधन भी किया, संबोधन के बाद पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकार से बातचीत करते हुए वे लगातार जातीय जनगणना सहित तमाम मसलों पर अपनी बातचीत रख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक पत्रकार से उन्होंने सवाल कर दिया और सवालिया लहजे में वे पूछने लगे कि सात निश्चय क्या है, सात निश्चय क्या है, ये बार बार इस पंक्ति को दोहराते नजर आए। अब क्या मामला था, इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो आइए देखते हैं आरसीपी सिंह जी आखिर क्यों कहने लगे जदयू के कार्यालय में ही पहुंचकर कि सात निश्चय आखिर क्या है। आइए देख लेते हैं उनका ये वीडियो। किसी पार्टी में कौन नाराज है उसे हम नहीं कर रहे, उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, वो अपना जाने। अरे मैंने आपको बताया ना, आप लोग बिना तो कहते ना पाल की खाल लोचना। मैंने बताया ना कि हमारे नेता ने किसने नाश से नहीं लिया, लेकिन हमारे नेता कहाँ पहुंच गए हैं, सात निश्चय क्या है जी। इसलिए देखिए है क्या, लोगों का पास मुद्दा नहीं रहता है तो सोचते रहते हैं कि बीजेपी के साथ। अरे बीजेपी के साथ हम लोग परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है और बढ़िया से सरकार यहाँ नहीं चलेगी। अरे जनाब अभी आप सुन नहीं रहे, मैंने जनगणना पर पूरा बता दिया। बिहार में सात निश्चय है ना, सात निश्चय आप जानते हैं, सात निश्चय क्या है, सात निश्चय क्या है जी। अरे मैंने जो पूछा उसका बताओ ना, वो तो बता दिए कि बहुत सारी पार्टियां जो हमारे नेता ने खुद रखा है इस बार, लेकिन आज आप देखो हमारे नेता बिहार में सात निश्चय का पूरा किए, उसके बाद अब सात निश्चय पार्ट टू गए। अब तो हमारा क्या है, न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, प्रधानमंत्री जी का दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास है। तो देखिए ये आज की तारीख में हमारा क्षुब्ध मुद्दा नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, विकास की बात है, विकास सबका करना है ना, सबको। अच्छा बिहार में देखिए एकमात्र प्रदेश है जहाँ किसी जाति धर्म के लोग हैं सबको पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, उसमें क्या अभी देखिए हमारा नेता ने क्या किया 15 अगस्त को, उन्होंने इस बात को कहा ना कि जो हम लोग बच्चे किसी भी समाज के होंगे, बीपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बिल पास करते हैं, उनको भी पैसा मिलेगा। और केंद्र में देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, पिछड़ा वर्ग आयोग है पहली बार उनको संवैधानिक दर्जा, तो सीबीएसई की पूरा का पूरा पूरा प्रश्न था जिसमें जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% और हमारा जो एस सी जो हमारा ओबीसी का जो है ये पूरा का पूरा 27%। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।